खबरों में बात करते हैं संडीला की। संडीला नगर स्थित टीआरएस कॉन्वेंट स्कूल में किडी जोन का उद्घाटन फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने किया। नगर में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के आने की खबर से युवाओं में बड़ा ही जोश दिख रहा था। सभी एक झलक पाने के लिए सुबह से ही स्कूल के बाहर खड़े रहे और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। अपने तय समय से एक घंटा बाद लगभग 2 बजे नगर संडीला पहुंचे, जहां पर भीड़ ने फिल्म अभिनेता को घेर लिया। एडिशनल SP के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस ने फिल्म अभिनेता को स्कूल पहुंचाया, जहां पर फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों के राजनीति में आने के सवाल में उन्होंने कहा वो राजनीति के माध्यम से आम आदमी की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा दर्जनों विभाग ऐसे हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, इनको सुधारने के लिए राजनीति में आया हूँ। वैसे तो मेरा पेशा अभिनय है, राजनीति नहीं। 2019 में भाजपा सरकार का साथ देने के सवाल पर कहा मैं राजनीति में अकेला चला था, लोग आते रहे, कारवां बनता गया, अगर कोई पहल करता है तो विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को 100% सफल सरकार बताया, योगी के तारीफों के पुल बांधे, आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया, कहा हर गरीब मजलूम को आरक्षण मिले वो चाहे जिस समुदाय का हो। उन्होंने संडीला से बहुत पुराना रिश्ता बताया, कहा मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ, जब लखनऊ में पढ़ता था संडीला अक्सर आया जाया करता था, संडीला के लड्डू हम कभी नहीं भूले। इसी क्रम में मशाल जगाकर किडी जोन फ्री का उद्घाटन किया। TRS कॉन्वेंट स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम पेश कर सभी के मन को मोहित कर दिया। अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी से सभी को खूब हंसाया और नन्हे मुन्ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिए। सभी के मन को राजपाल यादव लोटपोट कर गए।